हमें देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। हमें उस इस तरह से नहीं लेना चाहिए था कि 8 तारीख को एग्जाम है, मैं सब कॉपी देता हूँ, मैं सारा सब कुछ अलाइन करके देता हूँ, तो आप उनको काहे बात करते हैं, क्या करना है। दूसरी बात, हमें ये कहना चाहिए अगर हमने नहीं दिया है तो हमें कहना चाहिए था यस इट इज इन द प्रोसेस, आई विल गिव इट टू यू, क्योंकि उनके पास टेस्ट है। हर आदमी का क्वेश्चन इंप्रूव है, अगर मुझ पर वो दबाव डाल दे तो मैं देखूंगा जाकर के वहां पर छुटके से कहूंगा अरे रमेश सर डिग्री आप हमको पहले रमेश सर सर ये होता है। तो हम शिक्षक जो हैं वो हमें जो हम अभी बताए थे उसमें हमने सही आपने गौर किया है वो ये कि हम आज पढ़ेंगे ये सीखेंगे कि संवाद कौशल की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि क्या कैसे जाए। हम जानते हैं हम शिक्षक हैं, हम संवाद के द्वारा ही अपने बच्चों को अपने शिष्यों को जो कुछ बताते हैं उसमें सबसे बड़ी बात संवाद है, और ये एक पक्षीय संवाद अधिकतर जो होता है वो एक पक्षीय संवाद। नमस्ते, मैं अशोक कुमार झा स्नातकोत्तर वाणिज्य शिक्षक आज आपके साथ संवाद की प्रभावशीलता में सुधार के विभिन्न आयाम पर प्रकाश डालेंगे। हम आज देखेंगे कि कम्युनिकेशन से संवाद की
क्या क्या आयाम है, किस किस तरह से हमें संस्कृत में एक श्लोक कि कह श्यामक का कह श्यामक कह भेदा टिक का गयो बसंत का ऋतु काले टिकह टिकह पाटा का। अगर हम दूसरे समय में अगर उसी कौवा और कोयल को अगर हम देखें तो कौवा से ज़्यादा कार्यकारी गर्मी कोयल है, लेकिन वही जब बसंत के समय में कोयल खूब मारती है और कौवा कांव कांव करते हैं तब हम जानते हैं कि कौन ठीक है और कौन नहीं। आपने एक कहानी सुना होगा कि एक बार एक हाथी बेचने वाला है लगा हुआ था, वो एक आदमी जिसे हाथी के बारे में कुछ पता नहीं था वो आकर के बहुत गौर से देखने लगा। उस हाथी वाले को बेचने वाले को ये आया कि ये लगता है कि हाथी की पहचान इसे बहुत अच्छे ढंग से है, तो ये हमारे इस हाथी में से कहीं खोट न निकाल दे, कहीं खोट न निकाल दे, ठीक है ना। तो उसने आकर के उससे पूछा कि भैया देखिए अगर हाथी में आपको कुछ खोट दिखे तो आप मुझे बता दीजिएगा, राजा साहब को मत कहिएगा, हाँ राजा साहब को मत कहिएगा क्योंकि तब हमें कीमत कम मिली। उसने कहा वो बात ठीक है लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि हाथी खाता क्यों है। अब इससे उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जानकारी पता चलता है इनको इस हाथी के बारे में कितना जानते हैं, वही जो पहले आकर के बिंदी कर रहा था वही से दूसरा के बिंदी कर। तो आप जब अपना जुबान खोलते हैं जैसे आप जुबान खोलते हैं जैसे आप अपना बोलना शुरू करते हैं उसी तरह आपकी परिचय प्राप्त हो जाती है। अब संवाद की हम पहले समीक्षात्मक परिचय करें। संवाद कौशल का अवलोकन करें, प्रभावी संवाद कौशल आपके जीवन को उपार्जन देती यानी कैरियर और व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल लाइफ, कैरियर ओरिएंटेड और इंडिविजुअल दोनों में एक महत्वपूर्ण फर्क। अब संवाद क्या ये हम देखें, हम जानते हैं कम्युनिकेशन जो है संवाद जो है वो दो पक्षों के बीच में होता है, दो पक्षों के बीच में अपने हम किसी सूचना को किसी तथ्य को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो हम साझा करेंगे वो प्राय तीन में होता है, लेकिन जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो दो में होता है, एक होता है लिखित तो दूसरी होते हैं, तीसरा जो है वो होता है सांकेतिक। अब उतना ज़्यादा अगर आप लगान फिल्म देखिए अंतिम गेंद पर कैच ले लिया जो अपोनेंट थे जो विपक्षी पार्टी थे विपक्षी खिलाड़ी दल था वो उत्साह मनाने लगा कि मैं जीत गया, लेकिन उतने हल्ला उतना हल्ला में अंपायर ने ऐसे कर दिया उसका मतलब हो गया कि नो बॉल, वो चिल्ला के नहीं कर सकते। हालांकि जब नो बॉल कहता है तो चिल्लाता है लेकिन वो एक है कि नहीं आप ये दे दीजिए बैट बैट्समैन नहीं दे पा होगा आपका मौका नुकसान, तो कम से कम सुन करके उसके अनुसार वो तो सांकेतिक भाषा करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई की बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पर मौखिक लिखित या मौखिक वार्तालाप विनिमय है, केवल लेन या देन नहीं है, लेन देन दोनों। और यह साहित्यिक और नाटकीय रूप में भी हो सकता है। अगर हमने से कुछ बचपन में नाटक देखे होंगे तो एक पहले आता था सूत्रधार, वो प्राय पति के रूप में होता था, बात करते जाता था कहता था ये क्या बात है सत्य के नाम में प्रोफेसर निकाली ये हरिश्चंद, अगर कोई सत्य बोले तो उसको सत्य हरिश्चंद की तरह बोलना चाहिए, आइए हम देखते हैं सत्य है। तो फिर वहाँ से नाटक या कुछ शुरू होता था। तो ये नाटकीय रूप में भी हो सकता है, हम जानते हैं कि फिल्म या नाटक हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब है अगर हम इसको केवल ख्याल में रखें कपोल कल्पना करें तो दो या दो से अधिक किरदारों के बीच एक मौखिक विनिमय और साधारण भाषा में जिसे हम बात करना जिसे बात करना कहा जाता है, जैसे फिल्मों में बैठक में अभी जैसे हम बात कर रहे हैं किसी धारा
अव्यव का मतलब है ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमें खीर बनाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि खीर में क्या क्या मिलाया जाए। ऐसा बात नहीं कि रसोई घर में जितने अव्यव हैं सारा उसमें डाल करके खीर बना ढेर सारा है लेकिन उसमें से चंद ही चुन करके हम उसमें डाल दें। और ये बात भी है कि जो अव्यव उसमें डालेंगे उसकी गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी जो हमारा खीर बनने के बाद होगा उसमें वो आएगा। तो संवाद का सबसे पहला जो है वो इन अव्यवों को हम देखें। पहला है प्रेषण भेजने वाला। मैं अभी प्रेषण हूँ आपसे मैं अपना जो धारणा है जो हमने सीखा है या जो मैंने तैयारी किया है उसको आपके सामने ये पत्र ईमेल पैकेज या रेडियो संदेश पैकेज यहाँ पर जो है पैकेज मीडिया में कुछ दिनों में आया है ना कुछ दिनों से है पहले ये पैकेज जो है ये पैकेज बहुत व्यापक है। पैकेज और रेडियो संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक प्रेषक मतलब सीधा सेंडर जो आपको भेजे जो कोई जो व्यक्ति कुछ भी तत्व सूचना आपसे साझा करना चाह रहा है जो आपको भेज रहा है वो होता है प्रेषक। भाई प्रेषक भेजेगा क्या संदेश संदेश भेजेगा कैसे हम जानते हैं कि भगवान का दिया हुआ सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम जो कुछ समझते हैं वो अपनी मातृभाषा में समझते हैं और उसको प्रकट करते हैं किसी दूसरी भाषा में और ट्रांसलेट करते हैं। तो हम जो आपके समक्ष कुछ रखना चाहते हैं उसको एक क्रमबद्ध सिलसिलेवार ढंग से शब्दों का उचित संयोजन ये जो हम करते हैं उसको कहते हैं इनकोडिंग इंग्लिश में से क्या करते हैं। संदेश का भाषा संदेश का उत्पादन है यानी मैसेज प्रोड्यूस यह कोडित अर्थों की एक प्रणाली है सिलसिलेवार ढंग से जिसका एक खास आशय होता है और इसे बनाने के लिए प्रेषक को यह समझने की जरूरत होती है कि वो सामने वाले से प्राप्तकर्ता से क्या बात साझा करना चाहते हैं वो उनके समझ में होना चाहिए। जब तक वो उसे समझ नहीं लेंगे तब तक वो सही ढंग से दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। अपनी वो जो हम पढ़ेंगे इसका सबसे अंतिम अवयव है प्रतिपुष्टि वो हमको नहीं मिल पाएगा या जो हमारा आदेश है जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग भी कहते हैं अरे हम इस बात पर कंफ्यूज मैं कैसे इस बात को कहूँ नहीं कर सकता। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा बताइए मुद्रा क्या है सब हम जानते हैं मुद्रा क्या है भारत की मुद्रा रुपया है चीन की मुद्रा येन है सब जानते हैं लेकिन मुद्रा है क्या परिभाषित करने के लिए इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं एक कहावत है कि जहाँ छह इकोनॉमिस्ट जमा होते हैं वहाँ सातवां ओपिनियन बन जाता है और वो सातवां भी सर्व स्वीकार नहीं होता। तो ये इस तरह की बात जब तक हम उसे अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं लगे सर भी पढ़ाते हुए मनी तो अंततः यही कहते होंगे कि इस पर सबके सब का मत एक ही नहीं अंत में इनको कहना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे उसको पूछेंगे सर यहाँ पर तो ये है तत्व तो ये तत्व तो का अभाव है अगर ऐसा होगा तो तब हम उनको कहते हैं कि ये जो है ये सर्वमान्य परिभाषा इसकी नहीं है। इकोनॉमिस्ट की परिभाषा भी तो सर्वमान्य नहीं है। इसके बाद आता है माध्यम हम किस माध्यम से देख सकते हमने जैसा परिभाषा भी देखा मौखिक और लिखित दो तो मौखिक में आपके सामने लिखित यहाँ पर किसी को अगर पेन पेपर पर लिखूं तो लिखित होंगे। मौखिक भाषा में सबसे बड़ी खामियां क्या है कि मैंने कोई गलत शब्द कर दिया मैंने कुछ गलत बात आपके लिए कर दिया कोई गलत विभूषण आपको दे दिया आप उस पर अगर हमें अपोज कीजिएगा उस
उसका विरोध कीजिएगा तो मैं ये करूंगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा कहने का आशय ये नहीं। जब हम लिखित में आते हैं तो वहां पर हमें शब्द संयोजन रखते वक्त चिन्हों का बहुत ख्याल रखते हैं। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। अगर आप लिखे हैं तो आपसे वहां पर स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है कि आप कहां कहीं पर एक जगह तो कुमार डाले, या तो रोको के बाद या रोको मत के बाद। तो लिखित भाषा जो है वो है, और जिस मोड से हम जिस रास्ता से हम उसको आपके पास पहुंचाते हैं वो होता है माध्यम। अगला है प्राक्षर, हम जिसको भेजते हैं हिंदी में से कहते हैं इंग्लिश में से कहते हैं रिसीवर। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके सब मास्टर डिग्री होल्डर हैं, चौबे सर, रमेश सर, उसके बाद नारायण सर, पीछे पीछे मैं कुछ दिनों में हम लोग को अयोग्य करार दिया जाएगा, उम्र क्या कहते हैं अवस्था नकारा जाएगा, और कुछ नए भी हैं रविशंकर सलाम सर। लेकिन ये हमको बताइए आप कि अगर हम संदेश को यहाँ पर संस्कृत में कहेंगे तो कुछ कुछ तो हमें समझ में आ सकता है। उठते हैं कभी कभी बहुत भाषण देने लगते संस्कृत में, वो ऊपर ऊपर चला जाता है, पता नहीं क्या करते हैं, कुछ शब्दों को पकड़ पाते हैं। मलयालम में कहने का वो हमें आशीर्वचन दे रहा है कि दुर्वचन कह रहा है पता ही नहीं। तो सबसे बड़ा बात है संदेश ग्राही जो है, जिसको आप संदेश देना चाहते हैं वो जो जिस भाषा को समझे उस भाषा में आपको बात करेंगे, उस भाषा में उसके लेवल में जाके बात कर। नहीं सर, सभी से बिना सोचे समझे इंग्लिश में बात करना चाहिए। उसके बाद उद्भेद, हम जो आपके सामने अभी कह रहे हैं आप उसे उद्भेदित कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। मैं जिस भाषा मेरा जो मदर टंग है मातृभाषा मैं उसमें समझ रहा हूं, आप इंग्लिश में कहिए या कुछ भी हम उसको समझते हैं उस भाषा में। अगर यहाँ के लोकल बच्चों को आप कहिएगा जानवर तो वो जानवर नहीं समझता है, वो डांगर समझता है। अच्छा डांगर का हिंदी जानवर सर, इसके इंग्लिश वर्ड होते हैं किसका उद्भेदन डिकोडिंग
संवाद आपसे किया जाता है, तो संवाद की जो अंतिम लक्ष्य है कि मैं जो कह रहा हूँ उसे आप सही ढंग से समझ पाइए, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप डिकोड कितना कर पाए। अगर आप डिकोड कर लेते हैं सही सही से, तो डिकोडिंग के लिए आपकी कम से कम शब्दकोश जो होना चाहिए वो अलग प्रोसेस है। हाँ, अभी एक आया है, हालांकि उसने अंत में कहा है कि सवाल ने कहा कि जो गौरव सर जो कह रहे थे कि नहीं हमें इंग्लिश में बात करना चाहिए, उसने कहा इंग्लिश में बात करना चाहिए। अच्छा हमें ये बताइए भारती के लिए क्या कहा जाता है, ननद के लिए क्या कहा जाता है, और साली के लिए क्या कहा जाता है। स्वाभाविक है सिस्टर इन लॉ, अब सिस्टर इन लॉ हम कह रहे हैं ये हमारे सिस्टर इन लॉ है। अब चौबे सर क्या समझेंगे, ये भारती साली ननद तीनों में से एक। अब हम अगर हैं तो ननद तो यहाँ पर हमारी होगी, तो भाभी है साली। अब वो भाभी हम इससे अपने इसमें माँ का माँ का दर्जा देते हैं, वो साली मिल जाएगा। आंटी चाची आंटी मामी आंटी बुआ आंटी बुआ आंटी और पड़ोस वाले भी आंटी। उसने बहुत एक बार भी बात था कि आप इंग्लिश में पैर के लिए कितने सिनोनिम्स, कौन सा शब्द है और उसके सिनोनिम्स कितने हैं। दो ही कह सकते हैं, एक कह सकते हैं लेग और दूसरा कह सकते हैं लिंग। लिंग में भी फोर लिंग हाइंड लिंग ये दो होता है, ये क्या कहते हैं कहाँ के बायो डिग्रेडेबल वो बताए ठीक है। लेकिन अगर उसी को हिंदी में कहा जाए, अगर स्पष्ट कर लूँ उच्चारण पिताजी का लगा तो लाभ, अला दीजिए तो टांग, पकड़ लीजिए तो पैर, बढ़ा दीजिए तो कदम, छोड़ दीजिए निशान छोड़ दीजिए तो पद। तो ये अगर हमें ये जानकारी हो, कहीं ये नहीं है कि उन्होंने अपना पैर का चिन्ह छोड़ा, पद चिन्ह में कहा जाता है। जब हम किसी को कहते हैं किनके पद चिन्ह हो चल रहे हो, वहां ये नहीं कहते कि पैरों के इंसान हो चलो। तो ये है, अगर हम किसी को ये देते हैं कि उनके पद चिन्ह हो चलो, मैं उनके पद चिन्ह होकर चल जाया, तो हम ये नहीं देखते कि उनके पैर के निशान, क्योंकि पैर का निशान का अलग होता है। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर गधा ने चलाया तो दुर्गति। तो हमें जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको सिनोनिम्स का समानार्थी पर्यायवाची शब्द का ज्ञान होना जरूरी है, और इसमें हमें बच्चों को डिफरेंस भी बतलाना चाहिए। सर भी बतलाते होंगे कि इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है। हम तो प्रॉफिट और गेन दोनों समझते ही नहीं सर। अपना बचपन याद कीजिए, आपने 100 रुपया 50 रुपया दिया, दुकानदार आपको 65 रुपया लौटा दिया, आप 35 रुपये का सामान लेकर के आए, छलते कूदते कि 50 रुपया फायदा होगा। ये फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा बिजनेस का जो रिवार्ड है, बिजनेस का जो पारितोषिक है वो होता है फायदा, वो होता है प्रॉफिट। लेकिन हम सामान्य भाषा में कह रहे हैं प्रॉफिट। डिविडेंड जो है वो व्यवसाय का, डिविडेंड जो है वो है व्यवसाय का हिस्सा। डिविडेंड आपको भी मिल सकता है, व्यवसाय नहीं है। डिविडेंड वो होता है, आप 50,000 रुपया महीना कमा करके 2,00,000 रुपया सारा खर्चा करके आराम से इज्जत की जिंदगी गुजारते हैं, आप 2,00,000 रुपये सालाना बचा देते हैं। लेकिन आपकी प्रबल इच्छा है कि कुछ बिजनेस करें, आप एक झा के पास आइएगा, इनके पास जाइएगा कि क्या मैं कौन सा बिजनेस करूँ, तो कोई आपको सजेशन नहीं देगा कि 2,00,000 रुपये की से आप बिजनेस कीजिए, क्योंकि 2,00,000 रुपये का अगर बिजनेस कीजिएगा और 100% आपको फायदा होगा, फिर भी आपको पूरे साल की आमदनी 2,00,000 होगी, जबकि आपकी पूरे साल की बचत 2,00,000 होगी। तब ये जो आपकी उत्कट इच्छा है कि मैं बिजनेस ले जाऊँ, उसके लिए टूल्स है शेयर बॉन्ड डिबेंचर।
जिसको आजकल हम बताया सब करते हैं, साइकिल जो जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, वो क्या होता है? वही तो। अब आप जब शेयर खरीदते हैं, शेयर होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिस्क टेकर, उसमें आपको जो उस पैसे के बदले मिलता है, आपने जो आपका पैसा जो कंपनी उपयोग कर रही है उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसे कहते हैं डिविडेंड। दूसरा होता है बोनस, हम उसको भी कहते हैं लाभांश। बोनस उसका भी हिंदी अगर लेंगे तो लाभांश है, लेकिन बोनस और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है कि बोनस आपको आपने अच्छे ढंग से काम किया, कंपनी को ज़्यादा फायदा हुआ, तो आपके दिल को बिजनेस से फर्म से एकीकृत करने के लिए, एकाकार करने के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भाग दिया गया। अब आपके मन में एक अभिप्रेरणा होगा, आप अभिप्रेरित होगा कि इस बार हमने इतना अच्छा मेहनत किया तो हमको 10,000 मिला, हम अगली बार और अच्छे ढंग से करें तो हमको 12,000 मिले। तो बिजनेस लाभ है, बोनस जो है वो इंसेंटिव और डिविडेंड जो है वो आपका रिवार्ड है, आपने जो बिजनेस में पैसा लगाने का जो रिस्क लिया उसका। तो ये यही तो है हम बोनस और डिविडेंड को एक ही चीज कह देना नहीं। इसके बाद आता है प्रतिपुष्टि, यह सबसे आवश्यक चीज। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते हैं और एक बार कभी भी छात्र भी सही नजर डालते हैं। तो जब हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता है, जब हम इधर लौटते हैं अपना चेहरा बच्चों की तरफ करते हैं तो हमें ये याद होता है कि हम जो बच्चों को कर जो मैंने उसके सामने रखा क्या वो उसे अच्छे ढंग से समझ पाया या नहीं पाया, या कोई व्यक्तिगत छात्र अरुचि कर तो उसको नहीं लगता है कौन समझ। जब हम पढ़ाते हैं, जब एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा माथा हिलाता है, समझ जाते हैं कि सुन, कुछ बच्चा सुनी में देखने लगता है, कुछ बच्चा का ये आय क्या कहते हैं भाव है वो श्री इधर उधर हो जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है जिससे हम समझते हैं कि याद में समझ गया या ये थोड़ा सा कहीं कोऑर्डिनेट कर पा रहा है नहीं हो रहा, तब हम उसे तुम्हारे साथ क्या समझ। तो पढ़ाना जो है ये वस्तुतः पढ़ाना नहीं है, सीखना कि एक व्यक्तिगत छात्र को मैं कैसे समझा दूँ ये हम सीखते हैं पढ़ाई, उसके लिए हम तब दूसरा उदाहरण देते हैं, तब तीसरा उदाहरण देते हैं और दूसरे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रेषक द्वारा जो भेजा गया संदेशों को, संदेश के समस्त अवयवों को यथोचित सम्मान प्राप्त करते हुए, फैक्ट को, कोडिंग को, कोडिंग को क्या गया वो सही कोडिंग है, इनकोडिंग डिकोडिंग सही हुआ, हमने जिसे भेजा अब अभी कुछ दिन पहले हुआ था, एक पिताजी घर से आ गए, उन्होंने कहा कि हमको एक ही हासिल नहीं है, बोला सर ऐसे ऐसी बात भी 10 नंबर बस की समस्या हो गई, 10 नंबर बस कर नहीं उसका पसंदों से हासिल भी नहीं। वो कहने लगे कि ऐसा ऐसा बताए एक बच्चे के साथ बच्चा आपस में घर चला है, मैं बोला कि मेरे बस में कोई ऐसा नहीं हुआ, कुछ पता नहीं हुआ, नहीं नहीं यही पड़ता है यही पड़ता है, वो आपको भी पता है, आपको भी मैंने बताया अर्चना अर्चना क्यों को भी बताया, जब उसने कहा कि अर्चना क्यों को बताया गया तब मैं समझा रहा अर्चना क्यों का मतलब हुआ सेकेंड शिफ्ट, तो मैंने कहा नहीं कि उसका सेकेंड शिफ्ट क्या लगता है, ये जो ये है आपका जो क्वेश्चन है ये सेकेंड शिफ्ट का मैं सुन, तो ये भी बात करता है कि मैं भेजा किसका वो मिला, अब पता नहीं वो ये जानने के अच्छे ढंग से। एक राजा ने एक बहुत चतुर व्यक्ति को उसकी हफ्ती के हाथ पत्र लिख कर देगा कि इसे विष दे दीजिए, संस्कृत नहीं। वो जब गया तो जाते जाते थक गया, एक बगीचा में आराम करने लगा, उतना दिव्य सुंदर था, राजकुमारी घर से गुजर रही थी, राजकुमारी देखी उसके हाथ से वो पत्र लेकर के देखी तो उसमें लिखा हुआ था इसको विष दे दीजिए, और उस बच्ची का नाम लिखा था विषय। तो उसने आगे उसने लग दिया यस्य सर विषयास्य 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 देय
चार पोजेशन का उस लिंग के। वो रात वो जब पहुंचा उस राजदरबार में तो जब उसे पढ़ा गया तो उसका अर्थ ये निकला कि इसकी शादी विषया से कर दी जाए। तो शब्द का ये अर्थ है इतना मतलब अगर आप सही ढंग से विरोध करें सही ढंग से लिखें। अब शायद मैं भूल रहा हूँ कि एक शब्द ऐसा है जिसमें जोड़ते जाइए जैसे एंथम एन ए वर्ड है एन ए वर्ड है उसमें आग लगा दीजिए एन ए वर्ड बन गया उसके बाद उसमें टी लगा दिए एंड बन गया होगी। इस तरह से वो कम से कम 8 वर्ड बन जाता है ऐसा कोई शब्द है। एक शब्द जोड़ दीजिए एक वोवेल एक कंसोनेंट जोड़ दीजिए अगला एक शब्द बनती चल रहा है। तो हमें यही है समुचित सम्मान देना चाहिए हर चीज का। उसके बाद संदेश का इसलिए समुचित प्रतिक्रिया यही है फीडबैक। मैंने जो आपको कहा क्या आप उसे समझ पाए या नहीं समझ पाए ये आपके रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स आपने कैसे उसको उसके अगेंस्ट में क्या आपकी क्रिया वही प्रतिक्रिया हमारी क्रिया हुई कि मैंने आपके सामने अपना मुखर्जी रखा आपकी उसके एवज में आपकी क्या क्रिया हुई यही प्रतिक्रिया। तो उससे हमें यह पता चलता है कि हमने जो कुछ कहा वो कितना प्रभावी रहा। इसके अभाव में संदेश की प्रक्रिया अपूर्ण ही समझी जाएगी। रवि सर हमको चिल्ला रहे हैं झा सर मैं सुन कर ले सुना कर दिए या नहीं सुना इसे 15 दिनों से ये हमारे पीछे केवल पड़े हैं। मैं दूसरे का नाम ही नहीं लेता हूँ ऐसा नहीं कि सबके पीछे पड़ के सबसे कलेक्ट कर लीजिए हमारे पीछे पड़े हम सुन रहे हैं सुन रहे हैं हाँ सर एकदम हो जाएगा सर आज कल होगा सर। तो ये अब मैं अगर ये नहीं कहूँ अब रवि सर हो सकता है हमको इसलिए कहें कि हाँ सर मैं आज कुछ लाया हूँ हम दोनों मिलकर के खाते हैं और मैं ये सब कुछ रवि सर को हमसे भोजन मांगे मेरे घर से वादा किया था। तो ये रवि सर जो संदेश दे रहे थे उसका जो अभी सीखा वो प्राप्त नहीं हुआ। इसे हम शैक्षिक युग में शिक्षा में क्या इसका महत्व ठीक है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें ये संवाद के जो 5 अवयव हमने पढ़ा ये कैसे प्रभाव डालता है कैसे इसको प्रभावित करता है। एक बात तो निश्चित है कि एक तरफ सीजन टीमर रमेश सर चौबे सर इतना अनुभव पड़ गया जितना हम तो ये समझते हैं कि सर का उम्र इतना हो गया है या मैं कहूँ कि किसी किसी पेरेंट्स का उम्र पता नहीं होगा कितना तक से ही पढ़ा हुआ नारायण सर सब पढ़ा उसी के बाद मनोज सर उसी से निकले। तो ये जो हमने अनुभव लिया लेकिन हमारी दूसरी तरफ जो है वो है अनुभि अरुचिकर उसके लिए पढ़ने की बात की तो रुचि करने के लिए आप मनोसर कह लेते हैं वैसे हमारे क्लास में 8 से 9 बच्चा औसतन एबसेंट रहता है 8 2 या 3 बच्चे एबसेंट थे वो 3 2 या 3 बच्चे वो एबसेंट थे जो ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो नहीं एबसेंट थे जो नहीं पढ़ने वाले। ये क्यों है आज उसके लिए रुचिकर है कल देखिएगा बस सत्यंगल को देखिए सबके सब उपस्थित रहेंगे और सब एकदम मोटिवेटेड रहेंगे पढ़ने वाला नहीं है वो एकदम आएगा वो आएगा ही आएगा वो तो सबसे पहले आएगा और वो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा शिक्षकों। तो जो निहायत ही अंधेरे में साइकोलॉजी ये प्रूव कर दिया है कि मानव जब पैदा होता है उसके 25 दिन के बाद उसके मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है उससे ज्यादा विकास नहीं होता। तो फिर यह शिक्षा तो साइकोलॉजी कहा कि हम केवल उसी तरह से करते हैं जिस तरह से ये दीवार है तो उसकी उस तरह कुछ नहीं दिखाई देता है तो हम इस दीवार को उस बाधा को उस धूल को झाड़ फूस करके हटा देते हैं अब वो आर पार दिखाई दे रहा है या हमारा चेहरा हमको खुद दिखाई दे रहा है। ये सीरियस है कि जिंदगी भर मैंने ऐनक को सा
साफ करते रहा दाग को मेरे चेहरे पे। तो हम अपना वो जो दाग है वो निकला दे कि बाबू तुम्हारे हृदय पर दाग है या तुम्हारे चेहरे पर दाग है, इसका हम नाम करा। तो ये वो जो अंधेरा है उसको हमें अंधेरा को हटा करके वहां पर प्रकाश करना है। अगला ये तो हो गया प्रासादी बात। अगर सामान्य स्तर पर हम बात करें तो हमें उनके स्तर पर पहुंचे। एक आदमी क्लास फर्स्ट पीरियड में टॉप सीनियर मोस्ट स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है और सेकंड में जो शिफ्ट का जूनियर मोस्ट होता है उसको पढ़ा रहा है। तो ये है उनके स्तर पर जाकर हमें बोलना और बचपन की भूल में निपट करके उसके साथ ला करके वो कैसे समझता है उनके निकटस्थ स्वरूप। वो जब तक आप किसी के निकटस्थ नहीं होइएगा, हम सब यहाँ से काम करें 2007 से मैं कब से आया, चौबे सर थे, रमेश सर थे, क्या कहते हैं महतो सर थे, ये रवीन सर थे, तो हम लेकिन क्या सबके साथ हमारा एक ही जैसा नेटवर्क है, एक ही जैसा सामंजस्य नहीं है। कुछ के साथ फॉर्मल है, कुछ के साथ बहुत ही इंटरनल है, कुछ के साथ ऐसा भी है कि अगर चौबे सर के बदले मैंने कुछ कहा था कि हाँ ठीक है सर ठीक आप कर लो ऐसा मैं कह रहा हूँ और चौबे सर को पता चला कि नहीं एक ऐसा कह दिया हमारे लिए, तो वो ये नहीं कहते कि आप हमसे क्यों पूछे, इतनी आंतरिक हो जाती है वो। आपको जब उसके आधारित नहीं कीजिएगा, उस स्वरूप में जब आप नहीं जाइएगा, रची नहीं कीजिएगा, तब तक अधिगम के साथ अधिगम मतलब हुआ लर्निंग के टॉप लेवल पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप यही कारण है, ये जो था ये जो ये है यहाँ से यहाँ तक इसकी अभाव हमारी शिक्षा पद्धति में थी और यही कारण है कि इसको हटाने के लिए अप टू क्लास 5 नो अदर देन मदर टंग ये पढ़ाई की व्यवस्था के अनुसार इंग्लिश को छोड़े हिंदी को छोड़े उसके मदर टंग में आपको पढ़ाना। और इसीलिए आज से नहीं, आज से कम 7-8 साल पहले से जब आप बीएड करते हो तो कोई एक सब्जेक्ट आपका कोई एक मेथोडोलॉजी मदर टंग क्या कहते हैं डायलेक्ट भाषा सब क्या है डायलेक्ट ही है। हाँ डायलेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है ताकि आप उस एरिया में जाकर के बच्चे को आप कहिएगा कौ बच्चे कौ आ सकते घर में और इसके सबसे पहले उपयोग हम लोग हैं। हम लोग को पीट पीट के सिखलाया गया कि इंग्लिश का डिक्शनरी हो, हम लोग हमने भी अपने बच्चों को बोला कि इंग्लिश का डिक्शनरी। अरे इंग्लिश का तो वो अननोन है, हिंदी उसको है कि भाई ये आधानिक क्या है, आधानिक उसे पता है समस्या क्या है। अब वो इंग्लिश में अगर समझेगा तो समझेगा और अगर आधानिक का कंसीप्ट का वो ढूंढेगा तो कंसीप्ट है कंसीप्ट का नहीं। तो गया जाना का आपके लिए अलग शब्द है, गया के लिए अलग शब्द है, गए के लिए अलग शब्द है। तो हमको तो जानकारी है हिंदी का, हमें हिंदी से इंग्लिश डिक्शनरी में जाना चाहिए। हम अपने जो आपके सामने हिंदी में बोले तो भी मदर टंग को ही ट्रांसलेट करते और इंग्लिश में बोले तो भी मदर टंग को ट्रांसलेट करते। अब ऐसी स्थिति हमारी कि चंद शब्दों का हिंदी हमें पता नहीं है, कल पता था आज हम अगर दिमाग में जोर डालेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन जो है अस्फुट स्वतः वो बात नहीं निकल पाएगी कि इसका क्या है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है ये जो है ये टीचिंग एटीट्यूड से रिलेटेड। हम लोग 84 बच्चे टीचर से स्टूडेंट इन्होंने वर्कशॉप कर दिया, सर भी क्या है इनको भी क्या है इनको भी सारे वो एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया होगा, साइकोलॉजी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है उसके आधार पर जब वो निकाला गया कैलकुलेट करके
हमसे छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, हम तो अभी आते ही जुड़ गए। तो तब आपका इसका मतलब आपका एटीट्यूड जो है वो टीचर वाला नहीं है। आप एक बच्चे को बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझता, फिर आपने समझाया, नहीं समझता, आप क्या करते हैं? ये टीचिंग एटीट्यूड नहीं, बच्चा यहां फेल नहीं कर रहे समझने में, हम फेल कर रहे हैं उसको समझाने में, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग नहीं कभी ना वो आपके सामने है। अगर वो नोन होता तो हमारी गलत, वो किसी दूसरे के सामने होता। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की शिक्षार्थियों की जिज्ञासा का समुचित निराकरण अगर वो कुछ पूछ देता है। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ा रहे हैं हम हिस्ट्री और पूछते हैं सर ये जो टेक्टोनिक प्लेट टकराया था तो हिमालय कैसे जाता है? अभी के हम पढ़ा रहे हैं इसलिए सवाल आ गया ज्योग्राफी। तो इसका दो या तो कहीं ठीक है बात, अभी हम लोग ये पढ़ते हैं अभी इस पर ध्यान करते हैं वहाँ चले जाएंगे फिर आएंगे तो ईश्वर को नहीं होगा, नहीं तो आपको कम शब्दों में उसे समझा। बच्चों के किसी भी जिज्ञासा को आप इग्नोर कीजिएगा। एक तो वैसे टीचर प्रजाति जो होता है बच्चों के लिए नकारात्मक शब्द आज के बच्चे से, और अगर आप उसको नकार दीजिएगा तो कहेगा सर को तो हम कुछ पूछते हैं तो नकार दीजिए। वैसे ही नकारात्मक एटीट्यूड हमारे प्रति है क्योंकि हम कहते हैं ठीक है बेटो हम होमवर्क नहीं लाए हम बार बार नहीं तो नकारात्मक नकारात्मक छवि तो हमारे के मन में आएगी और उनको अगर हम नकार देंगे हो गया ना। आपके दो दो टीचर तीन टीचर हैं हम लोग क्या पढ़ाते हैं माइनस प्लस माइनस इज टू प्लस वो दोनों जुड़ गए और आपको ये नकारात्मक नकारा टीचर होंगे। उसके लिए बच्चों के जिज्ञासा के शांत करने के दौरान बहुत ही धैर्य की जरूरत है। एक्सट्रीम अगर आप समझा रहे हो जब तक समझा रहे हो आप भी कहते हो कि देखो जो पूछना है अभी पूछो, खास करके जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं सर पढ़ाते होंगे वो क्या कहते हैं शब्द रूप यहाँ पर तस्य क्यों होगा ध्यान क्यों आ गया ये क्या है कैसे हम बचाएंगे। हम बहुत मनोजों से बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट है हम जब दो चार बार शुरू में क्वेश्चन देखे तो देखे कि इसमें तो ढेर सारा मेडुला सेडुला क्या कहते हैं बच्चे में स्वीकारिता नहीं है
थे, आपको स्टैंड अप कर दिया जाता था, चलो खड़े हो जाओ, आपके आंख में आंसू आ जाता था। सबसे बड़ा सजा क्या होता था? स्टैंड अप ऑन द बेंच। आज आप स्टैंड अप कीजिए, वो इधर दिखेगा, इधर नहीं सीखा, इधर उसे इस बात का भान ही नहीं कि स्टैंड अप करने का मतलब क्या हुआ। हम लोग जब समाज विज्ञान में पढ़े थे कि बच्चों को क्लास में खड़ा करके क्यों सजा जाए, ये कैसी सजा है, कहा जाता था कि बार बार के बैठे हुए और वो समाज से अलग। हमारे गुरु जी थे, वो कहते थे नहीं, जिसने गलती किया है उसको सामने ला, बैठा बार बार की सब खड़े रहेंगे, वो गुरु जी भी खड़े। अब देखिए उसके ऊपर कितना बड़ा दबाव है कि हमने काम नहीं किया इसलिए हमारे गुरु जी, क्योंकि उस वक्त थोड़ा गुरु शिष्य का एक धाम था हमारे शिक्षा आदमी। हम लोग उस वक्त अपने गुरु जी का चप्पल उठाने के टीचर से जा रहे थे, चप्पल उठाने बड़ा ये करते थे, कभी कभी चप्पल फट भी जाता था, क्योंकि एक दिन पता एक दिन धट वाला गुरु किसी उसका फिकर कर ऐसा होता। आज अगर ऐसा लेकर के कोशिश कर दीजिए उस पर, देखिए उसके बाद इतना बड़ा गन मार के लेके आपके नाक में घुसा देगा कि ये देखिए इनके चेहरा पर मत जाइए, इनके नाम पर मत जाइए, इनके पैर पर नहीं जाइए, बच्चों से जूते उठा। तो परिवेश बदल गया, इसलिए सबसे बड़ा बात है कि आपको धैर्य एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस, उसके बाद आ जाता है शांत स्वर। आपकी आवाज जो होना चाहिए कभी इतनी रौबेला नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे बिना समझे फिर भी बोल चुके। उसके बाद आता है मधुर हाव। गुस्सा तो सर हमको भी बहुत आता है, गुस्सा तो हमको भी बहुत आता है, हम तो कहते हैं मन तो करता है कोहरा की तरफ उठा के पटक देंगे, लेकिन हंसते रहते हैं, चेहरा जो है ठीक है, चेहरा जो है वो हंसता है। तो ये मधुर हाव भाव आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद है स्नेहासिक स्पंदित स्पर्श। ये राम बाण है, बड़ा बढ़िया शब्द है, ये राम बाण है स्पंदित। आप कोई बच्चा बहुत गुस्सा गया उसे बहुत स्नेह से स्पंदन का मतलब होता है, ये जनों जब हम ऐसे करके लपेटते हैं तो उसका एक प्रेशर पड़ता है हमारे शरीर पर, उसको कहते हैं स्पंदन। और वो जो स्नेह से दिया हुआ ये जब आप बच्चे के पीठ पर रखिएगा उसका एक गलत प्रभाव जो है वो हट जाएगा, आपके साथ वो शाम लगेगा ऐसा लाभ होने लगेगा कि नहीं हमारा ये है। आप भी देखिए ना, हमारा जब तबीयत खराब होता है तो हमारी जो बड़े हैं या जो है वो बाद में से ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते हैं हम उससे साथ। ऐसा अगर आप कीजिएगा धैर्य के साथ सुनिएगा, अगर वो 50 बार आपको क्वेश्चन किया 500 बार आप सुनिए, अगले बार वो भी बोलिएगा कि समझ में आया लॉ मैं गलत हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा मेरी गलत। लेकिन अगर पहली बार दूसरे बार उसे अपडाट कर दीजिएगा भी इतना बड़ा बदला ऐसा बोल रहे आप समझ नहीं पाए हो तो फिर हो गया। अगर ऐसा ये जो है धैर्य शांत स्वर मधुर हाव भाव स्नेह सिंह स्पंदित स्पर्श आप कहा जा रहे हैं कि आप आशीर्वाद भी ऐसे करके दीजिए, ये आशीर्वाद ऐसे करके कहाँ दिया जाता है जहाँ पर बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट उस समय में छोड़ दिया जाता है जब वो अपना रोटी खा करके वो सो जाते हैं। आप देखते हो एक दिनों में कि एक केज जैसा इतना बड़ा केज बना हुआ रहता है उसमें बच्चे को लिटा दिया जाता है, जब वो चलने लायक हो जाता है बच्चे को खाना है तो वो उसे खुद बाहर निकल जाएगा सब कुछ करके। आज से 6-7 साल पहले की बात है जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 2-3 महीने के बाद फ्रांस में एक डॉक्टर माँ को ब्रिटिश से अलग कर दिया, क्योंकि वो कहा कि आप कैसे खाते हो तो मैं इसे चम्मच से खिलाता हूँ, इसी बात को केवल मैं इसे चम्मच से खिलाती हूँ माँ को भी, तो कहा कि आप इसको डिपेंडेंट बना रहे, आप इसको क्या कहते हैं कि डिफरेंटली एडल्ट जब बना रही है तो खाना कैसे सीखे, वो वहाँ के लिए क्या कैसे जितना हमारा क्या कहते हैं आप ये कहिए ना आपके जमाने का
उतना श्रृंखल आपका बच्चा है जो छोड़ने आपके सामने है, और क्या उतना पीटा है देख करके बेहोश नहीं हो जाएगा? लेकिन उस समय जो पढ़ लिए जो खेती में चला गया, खेती में चला गया, ड्राइवर बन गया, जो चोर बन गया वो भी अच्छा चोर है, जो वृत्ति छोड़ गया जिसमें घुस गया वो बन गया। आज क्या है, आए हो तो लूट बैठ इसी में रह गया। आज का बच्चा एक एमआर बन सकता है, उसके अलावा अगर उसने अच्छे ढंग से मेहनत नहीं किया तो कुछ नहीं बन सकता। एक तो हमारा मैकेनिकल एजुकेशन है कि हम लॉकर पे जाते हैं, एक ही जगह बेटा पैदा होगा तो बोलेगा कि इसको तो एक इंजीनियर बनाएंगे, बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, इसका कुछ है ही नहीं। अभी मैडम थी प्रिंसिपल तो चलाए थे कि व्हाट यू वांट टू बी, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईएएस, कुछ का था पायलट, इसके अलावा कुछ नहीं, यही था क्योंकि यही आपको बताया गया। तो वो आपके जो शिक्षक थे जो आपको पढ़ाए आप बन गए, अब आपको गाइड, मेंटर, फ्रेंड, रिसोर्स पर्सन, रिसोर्स प्रोवाइडर, टीच टू हाउ चीट, कैसे आप चीट करोगे ये भी आपको बताना है। शिक्षक का अपना एक इंटेलिजेंस लेवल सबका डिफरेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका एक लेवल है। अगर हम अपनी विद्वत्ता, मेरे साथ एक घटना हुआ, मैं क्लास में पढ़ा रहा था डेमो क्लास, ठीक है, उसमें कोई नहीं हो गया बच्चा से जो फील्ड ले गया। बाद में दो चार महीने के बाद जब मैं पढ़ा रहा था ये सारू में आके आपके बाद जो इंग्लिश को बहुत चबा चबा करके बोलते थे, वो आए थे हमारे यहाँ पर, आए एक बार टेक्निकल इंस्ट्रक्शन में, यस सर, हाउ डू यू मेंटेन दिस दैट इज योर, हाँ वो आ गए भाई। मैं अपने लेवल तो मैं जॉर्गनिक टेक्निकल वर्ड ज़्यादा यूज करूँगा, 10 मिनट के बाद चले गए और उधर से नंदलाल नाम का एक था वार्ता, उसे भेजा गया तुरंत इमीडिएटली हुआ। यस मिस्टर झा, आप जो इतने टेक्निकल वर्ड को यूज कर रहे थे क्या बच्चा समझ पाए? मैंने जवाब दिया कि सर मैं बच्चा को नहीं पढ़ा, वो 10 मिनट जो मैंने पढ़ाया मैं अपने आप को आपके सामने कर दिया, क्योंकि आपका लेवल वो है। अगर मैं उस लो लेवल में पढ़ाता तो हो सकता था आपके क्वेश्चन गुजरते ही हो, लेवल इसकी ग्रो हाउ इज द स्टूडेंट विल स्कोर बेटर और परफॉर्म बेटर। तो ये है, हम अपने लेवल में नहीं देखें कि हमको इस स्तर पर रखा, इसके लिए मैंने क्या कहा कि अपनी विद्वत्ता से क्लिष्टतम सामासिक, ये भी एक सामासिक शब्द है, क्लिष्टतम कठिन से कठिन से कठिन सामासिक शब्द, भुजगेन, नवनी, हमारे ढेर सारे बच्चे जब एग्जाम से पास करके हमारे बीच से चले गए, वो क्या करते हैं नवनी प्रकाश, नवनी प्रकाश, नवनी खाना, हमारा एक नवनी था, नवनी का अर्थ क्या होता है? अब आप उसको कहते हैं भाई दूध से जब हम मथते हैं, दूध को ज्यादा जब हम मथेंगे तो उससे नवनीत निकलेगा, उस बालक को नवनीत का पता ही नहीं है, वो कहां से करेगा? अब ये अगर सीधे सीधे एस्पोंडोलाइटिस का के निकल जाए, अगर हम तो हमको ये बोले तो अगर हम आपको बच्चे को ठीक है, तो उस तत्सम बिल्कुल सांस्कृतिक शब्द यथेष्ट, अभीष्ट, विग्रह,
हम लोग कहते हैं मूर्ति, लेकिन संस्कृत में कहा जाता है विग्रह। शिव का विग्रह वहां पाया गया। तो अगर विग्रह कह दिया जाए तो विग्रह समझाए बोलेंगे विग्रह का मतलब विशिष्ट विग्रह। तो उससे जितना हो सके हमें परहेज करना, उसके लेवल में हमको जाकर बात करना चाहिए। तथ्यों को पूर्वापेक्षित ज्ञान, हमने जो वेट किया है उन्होंने पढ़ा होगा प्री रिक्वीज नॉलेज पहले से। अरे प्री रिक्वीज नॉलेज अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास वन में हे प्रभु आनंद दाता, और हम वही बात पढ़ाने जा रहे हैं क्लास टेन में, तो हमारा एक्सप्लेन करने का, हमें उसे बताने का भाव शिल्प, काव्य शिल्प, सौंदर्य शिल्प, क्या कहते हैं बोध, ये सब वहाँ पर बताना पड़ेगा। अलंकार सब बताना पड़ेगा, लेकिन अगर क्लास वन में हम अलंकार अनुप्रास बता देंगे तो लग हो गया। तो इसी के साथ उसके अनुसार आपको प्रस्तुत करना चाहिए। एक इसके बाद लास्ट है, ये लास्ट है याद रखो। जैसे शरबत में मीठा जब हम डालते हैं तो चीनी को भूलना पड़ता है, चीनी का अपनी अस्तित्व को छोड़ देना पड़ता है, वहाँ चीनी अपना अस्तित्व नहीं देखता है। उसी तरह जब टीचर बन करके आप जिस लेवल में जाते हो उस लेवल में अपने आप को छोड़ दो, अपने लेवल को भूल दो, बच्चे के लेवल में चले जाइए, उसका सहन